अब हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। तुम बॉलीवुड वालों के बाप का नाम बता देता हूँ कौन कौन आ चुके हैं जो कोई भी मजाक बनाना नहीं चाहते और सब अपने धर्म के प्रति एक अलग ही निष्ठा रखते हैं। नाम बेटा ले लो तुम अपना रामचरण, नाम ले लो अल्लू अर्जुन, NTR, यश कुमार, जो भी हैं बेटा, तुम सबकी औकात बताने के लिए आए और तुम सबका औकात ही बताएंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बहुत सारे खान, बेटा सुन लो, आ गया तुम्हारा बाप, आ गया। साउथ वाले सारे हीरो तुम्हारी बाट लगा रहे हैं और बाट लगा चुके हैं और ऐसे ही लगाते रहेंगे, और सारे लोग उनसे प्यार करते हैं। तुम लोगों से अब कोई, तुम लोग कुछ दिन में अब भीख मांगोगे और उसी को खाओगे, और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है बेटे, बस यही तुम लोग कर सकते हो। बहुत दिनों तक देखा बॉलीवुड वालों को मजाक पर मजाक, हिंदू धर्म का मजाक ये उड़ा रहे हैं। साले हिंदू लोग भी बॉलीवुड में जाकर हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं, और खान लोग को तो कहना ही नहीं है। इसलिए अब एक ही ट्रेंड चल रहा है, बायकॉट खान्स, मतलब कि खान को अब बंद करो, अब खान वान ये सब नहीं चलेगा, अब चलेगा तो बस अपना हिंदू धर्म का, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से हो, बस यही चलेगा। और कोई ये सब बॉलीवुड वालों को तो भाई अब भीख मांगने की नौबत आ ही चुकी है, अब ये भीख लोग ही यही लोग मांगेंगे और कुछ इनके पास गुजारा रह नहीं गया है। खास करके खान लोगों को ही यही कहना चाहते हैं कि बेटे अब तुम लोग भीख मांगो और उसी को खाओ, भीख भी तुम लोग को हिंदू ही देगा, और फिर कहाँ से तुम खाओगे वो भी देख लेना। हिंदू के बिना तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और नहीं भरा था। हिंदू बेटा अपने आप में कथी है, तुम लोग भीख भी मांगने जाओगे तो दे देगा, इतना बड़ा करेजा होता है हिंदू का। बात समझो और मजाक अब नहीं उड़ाया जाएगा। जय हिंद, जय हिंदू, जय श्री राम।